आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, उनके सामने तार बिछाए गए और दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनसे व्यवहार किया गया, उनको इस देश का दुश्मन बताया गया, तब आप मोदी जी खामोश थे। और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। एक लंबे संघर्ष, आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन, एक साल तक किसान भाई सड़क पर रहे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्होंने तमाम यातनाएं झेली, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनका खून सड़कों पर बहाया गया और उनको कुचलकर आपके मंत्री की गाड़ी ने मार दिया, तब आप खामोश रहे। आज चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से आपने तीनों काला कानून वापस लिया है नरेंद्र मोदी जी। ये देश का अन्नदाता भी समझ रहा है, देश का किसान भी समझ रहा है। सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी किसान भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। जब ये काला कानून संसद में आया था उस वक्त मुझे मार्शल से घसीट कर संसद से बाहर किया गया था, मुझे निलंबित भी किया गया था, हमारे साथी सांसद आम आदमी पार्टी के जो थे उनको भी निलंबित किया गया था, विपक्ष के सांसदों को अपमानित किया गया था, लेकिन हमारी एक ही आवाज थी, ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। आज एक साल के किसान आंदोलन की ये जीत है जी, ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज किसान भाइयों को बधाई देता है। किसान आंदोलन में पहले दिन से केजरीवाल जी और पूरी पार्टी साथ थी, है और रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com